गणेश मंदिर पर लॉकडाउन के चलते सादगी से मनाई परशुराम जयंती। अधिकांश लोगों ने घरों में ही भगवान परशुराम की आरती। लॉकडाउन के चलते परशुराम जयंती स्थानीय गणेश सादगी के साथ मनाई गई। पंडित द्वारिका प्रसाद ने भगवान परशुराम की कथा का वाचन किया। वही पंडित संदीप पाठक ने भगवान की आरती उतारी। मंदिर के परिसर में लॉकडाउन के चलते कुछ भक्तजन ही आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान से कोरोना महासंक्रमण से सकल विश्व को बचाने की प्रार्थना की। अधिकांश ब्राह्मण परिवार ने अपने घरों में रहकर ही भगवान परशुराम जयंती मनाई व उनकी पूजा की। नगर परिषद युवा ऊर्जा चल प्रसाद समर्थक उपाध्याय अधर्म पत्नी ने अपने निवास में भगवान परशुराम जी की आकर्षक जीवन रंगोली बनाई। इस अवसर में मंदिर के पंडित कंतीलाल पाठक, दृष्टि गणेंद्र उपाध्याय, सुधीर शर्मा, ऋषि भट्ट, मनोज उपाध्याय, श्रीमंत अरोड़ा, किशोर आचार्य, समर्थ उपाध्याय, प्रवासांत व्यास आदि उपस्थित रहे। बताइए, परशुराम जयंती आज जो मनाई जा रही है, थानला क्षेत्र की यदि हम बात करें तो किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? परशुराम जयंती ब्राह्मणों के आराध्य देव परशुराम जी का जन्मोत्सव आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, मगर लॉकडाउन के कारण हमारे यहाँ पर जो प्रति वर्ष शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, वो शोभा यात्रा पर हमने बैंड लगाया है और सभी कॉलोनी में जो जो मंदिर है वहाँ पर हम परशुराम जी का पूजन आराधना एवं महाआरती कर रहे हैं। शाम को गणेश मंदिर पे आयोजन किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर विवेकानंद कॉलोनी में वहाँ पे कॉलोनी में मंदिर है वहाँ पे भी परशुराम जी की आरती का आयोजन किया गया और सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए दूरी बनाते हुए उस आरती में शामिल होंगे और परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही ब्राह्मण समाज के जितने भी घर हैं वहाँ पर हमने सभी को रंगोली बनाने का और शाम को कम से कम 7 से 11 दीपक जलाएं और शाम को 7 बजे सभी अपने अपने घर पे भी आरती का आयोजन करें और घड़ी घंटी वगैरह का वादन करें, थाली बजाएं और परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाएं। झबुआ से राजेश डामर की रिपोर्ट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।